भाई बड़े देर बाद क्वालिफाई आए हैं और ये चेहरा भाई हसमुख बेबे गांव अपना शाहपुर। हाँ भाई इसके भाई के लिए था, मैं तड़के आया था, सार भी रह रहा हूँ। तो बेबे बता कौन सा ग्रुप था और के कुछ चल रहा भीतर? ग्रुप ग्राउंड एक था, बैच नंबर दो था और मेरी टाइमिंग कृपया 8:30 और यहाँ पे 7:56 आई है। अच्छा 13 सेकंड कट गए इस बाण के। 13 सेकंड कम हो। ग्रुप नंबर वो ग्राउंड है? ग्राउंड एक। ग्राउंड ओके था? हाँ 75 बच्चे क्वालिफाई कर। 75 बच्चे, मतलब मेरे बैच में 60 बच्चे का ग्रुप था तो 15 बच्चे क्वालिफाई। 60 में 15, जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया। कितने दिन तैयारी करी थी रनिंग की? 24 दिसंबर था, 21 दिन। 21 दिन पहले भी हो रहे थे बांध के फिजिकल, पहले भी तैयारी कर रखी थी। हाँ। चलो एग्जाम में कितने नंबर है? मेरिट लिस्ट 75। चलो मेरिट लिस्ट तो ऊपर है ज्यादा। हाँ। चलो इसकी बार वर्दी पहन लेंगे भाई, जींद वाले चीते छाएंगे भाई। कोई घबराहट की बात तो नहीं? ना कोई दिक्कत। हाइट हाइट और सब कुछ, वेट वगैरह हाइट नॉर्मल है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा हाइट जितनी गिराव उतनी आवा है, कोई सारे बढ़िया हो रहा है। टोटल कितने बच्चे बाजे थारे ग्राउंड बाद बेरा लग गया? टोटल आए कितने परजेंट परजेंट कितने थे? 900 थे शायद टोटल एक ग्राउंड पर। 900 में तो कुछ अपसेंट हुए होंगे। अरे परसेंट का इतना पता तो नहीं है। 75 कितने बताओ थी तू क्वालिफाई? इब तक तो 75 हुए थे फिलहाल तक तो। अच्छा 75 हुए थे, इब सारे हो लिए होंगे 75 ना रह रहे बच्चे, मतलब जिनका मेडिकल का नोटिस देना रह क्या बताऊं। कितने परसेंट पास हो रहे कि मैं लग गया बेदा? एक में थे 15-20% है। 15-20% बच्चे पास हो रहे हैं भाई। चलो बहुत बढ़िया जानकारी दी। के नाम बेबे? शिवानी। छा गए हैं भाई रे, जींद वाले छा गए। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। लियो भाई की बन बड़ी राजी हो रही है, ऐसे एक चेहरे चाहिए भाई खुशनुमा। तड़का तो रोंदी आवे थी, इब सास आया है। कौन सा गांव है? मैं जींद ते हूं, सफेदो तोरे गांव में सानपुर है। सानपुर सानपुर आटबागडू एच दा बहादुरगढ़ खतरनाक एरिया भाई। जींद वाले चीते छा गए हैं। बता बेबे कौन से ग्राउंड पे थी, के कुछ चल रहा भीतर? मेरा ग्राउंड नंबर 6 में था, मेरा ग्रुप था थर्ड। हाँ। उसमें 100 लड़कियां दौड़ाई थी और 20 रेस में क्वालिफाई हुई हैं। 2 लॉन्ग जंप में बाहर होगी और 3 हाइट में बाहर होगी। टोटल 15 का क्वालिफाई हुआ है। अच्छा डॉक्यूमेंट वगैरह? डॉक्यूमेंट यही 10th की 12th की और किसी ने ग्रेजुएशन किया तो वो और कास्ट सर्टिफिकेट EWS वगैरह है। तो अच्छा EWS क्रूशियल डेट वाला चल रहा है क्या कहता भाई? मतलब क्रूशियल डेट का ये अभी कुछ बोल नहीं रहे, ले रहे हैं चाहे नया हो पुराना, डेट का कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा चलो हाइट वाइट में तो कोई जितनी गिरा उतनी आई हाइट आ रहा है? हाँ हाइट सही आई है, बल्कि एक लड़की की पूरी 157 आई थी, उसकी 2-3 बार चेक की, एक बार उसकी 157 आ गई थी लेकिन 2-3 बार। लेकिन मतलब सपोर्ट करया और पूरी करवाई? पूरा 5-6 बार चेक की उसकी और अभी लेकिन उसका हुआ नहीं। ले भाई। लेकिन अपील के लिए डालना है उसको। बहुत बढ़िया स्टाफ है इतने, जो मतलब एक एक बालक पे इतना ध्यान दे रहे, रहने नहीं देते किसी भी ने। लॉन्ग जंप में किसा माहौल है? लॉन्ग जंप इजी है, पूरा करवा रहे हैं। कितने एक बच्चे हैं लॉन्ग जंप में, कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं 2 लड़कियां रही है, वो भी इसलिए रही क्योंकि उनके पैर में दर्द हो गया था रेस के बाद, बाकी सारी पास है लॉन्ग जंप में और हाई जंप में सारी पास। चलो अपना कितना टाइम था ग्राउंड में? हाई जंप में सारे पास हुआ है। ग्राउंड में तो मेरा 7:54 था। अच्छा 7:54-7:55 था, कितना आया? 7:37 आया। 7:37 भाई बहुत सेकंड कट गए, नहीं हुए 15-15 सेकंड कटते हैं तो सबके काम चल जाएंगे। हाँ क्योंकि ग्राउंड पर अकेले दौड़ने में और यहाँ ग्रुप में दौड़ने में फर्क है। और ग्राउंड बहुत बढ़िया, वॉच वगैरह अलाउड थी? हाँ अलाउड थी, मैं वॉच पहन के ही भागी थी। अच्छा चलो कितने नंबर ऊपर आपके मेरिट लिस्ट है? नंबर तो बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर है, बन जाएगी इसकी बार वर्दी पैर लेगी भाई। मैं घर आया 73 मार्क्स है। अच्छा चलो कैटेगरी जनरल। चलो इसकी बार फिर घर आया वर्दी पैर का इंटरव्यू ले जाएंगे घर आकर। अंकल जी भी कह रहे थे, अंकल जी क्या कह रहे थे बता दे एक बार। मेरे पापा बोल रहे थे कि फोटा भाई को इंटरव्यू जरूर देना है, जबरदस्त इंटरव्यू दे के आई हो। जबरदस्त है, चलो कोई घबराना नहीं। सारा दिन वीडियो देखते रहते थे आपकी। अच्छा फिजिकल वगैरह की कि इतने बच्चे पास हुए इतने हुए, क्योंकि बॉयज का तो बहुत बुरा हाल था। वो अंदर भी बोल रहे थे कि बॉयज तो 100 में से 7-8 ही पास हो रहे थे लेकिन लड़कियां सही है 26 लड़कियां भी पास हुई है। 29 भी हुई है मेरे तो फिर बताऊँ क्या चक्कर है। एक तो तुमने टाइम भी ज्यादा मिल गया, परमात्मा ने भी गांव का बढ़िया दिन था जगह। हाँ। तो कुल मिलाकर तुमने टाइम मिल गया, सारी चीजा का फर्क हो गया। हूँ भी बत्ती हर तरीके का बढ़िया काम हो गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। के नाम है? शिवानी भाई सानपुर है। जींद वाले चीते धमाका कर वजीराबाद में भाई, कोई मुकाबला नहीं। और अंकल जी ने राम राम, ऐसे चेहरे चाहिए भाई मुस्कुराते हुए वीडियो में।